को 4-0 से इस बार इलेक्शन जीता जाएगा कांग्रेस का, भाजपा को कोई भी सीट नहीं मिलेगी, क्या कहना चाहेंगे आप आगामी लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं? देखिए ऐसा है, सत्ता विरोधी रुझान जो है केंद्र सरकार के खिलाफ, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने निर्णय लिए, आज समाज का हर वर्ग, चाहे नौजवान हो, महिला हो, हमारे जो है किसान हो, बागवान हो, छोटे व्यापारी हो, हर वर्ग उनके खिलाफ है। आज देश की अर्थव्यवस्था का उन्होंने तहस नहस कर दिया, जीएसटी और नोटबंदी जैसे गलत निर्णयों को लेकर, महंगाई चरम सीमा पे, रक्षा सौदों में घोटाले हुए, आज सरकार जो है चंद पूंजीपतियों की गिरफ्त में, उसी तर्ज में हिमाचल प्रदेश सरकार एक नाकाम सरकार रही है। पिछले एक वर्ष में धरातल में कोई तरक्की का काम नहीं दिख रहा है, कानून व्यवस्था के बहुत बुरे हाल हैं प्रदेश में, आए दिनों हत्याएं, बलात्कार, चोरी डकैती की घटनाएं बढ़ी हैं, युवा नशे के गिरफ्त में जा रहे हैं, और ये सरकार नशा रोकने में, नशे का व्यापार रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब सिद्ध हुई है। जो भी काम जिनके उद्घाटन हुए वो काम कांग्रेस सरकार, वीरभद्र सिंह सरकार के समय के काम है। कुल मिलाकर ये सरकार हर मोर्चे पे सफल हुई है, और मुख्यमंत्री जो है स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पा रहे, उनके कार्यालय में जो लोग बैठे हैं वो पहले नागपुर से आदेश लेते हैं, उसके बाद जो है सरकार में निर्णय होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, उसी तरह जो 4 मौजूदा सांसद है वो अपने कर्तव्य का निर्वहन सांसद के रूप में ढंग से नहीं कर पाए, उनके खिलाफ भी जो मैंने देखा सत्ता विरोधी रुझान है। और हिमाचल प्रदेश में मुझे राहुल जी ने कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी दी है, मुझे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद है, और मैं पार्टी को एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतारने का जो मेरा संकल्प है, इसमें मैं पूरी तरह से कामयाब होऊंगा। जैसा मैंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि हम 4 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे। सर, मजबूती मिलेगी पार्टी? निश्चित तौर पे मिलेगी, क्योंकि काफी समय से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में ये मांग कर रहे थे कि श्रीमती प्रियंका गांधी को राजनीति में आना चाहिए। श्रीमती प्रियंका गांधी के राजनीति में आने से हवाएं और फिजाएं बदली हैं, और आप आने वाले समय में देखेंगे इसके बहुत सार्थक परिणाम होंगे। और आपने ये देखा होगा कि प्रतिक्रिया शुरू होगी, जिस तरह से जो सरकार है, मैं देख रहा था टीवी पे न्यूज़ फ्लैश हो रही है, उन्होंने बदले की कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं होगा। देश की जनता जान चुकी है क्या करना, और जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त होगी, और जो देश का मौजूदा राजनीतिक वातावरण है आप उसमें देखेंगे कि जो एनडीए के साथी हैं धीरे धीरे जो है सारे उनके जो उनके साथ जो दल थे वो अलग हो रहे हैं, और जो राष्ट्रीय गठबंधन बन रहा है वो गठबंधन इस बात को लेके इकट्ठा हो रहा है कि इस देश को मोदी से बचाना, एक तानाशाह से बचाना।